हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। ओ कल हमने जर्नल एंट्री चैप्टर शुरू कर दिया था, कंटिन्यू करेंगे वहीं से ही बात को। आज एक 8-9 जर्नल एंट्री का क्वेश्चन करते हैं, बड़ा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। और बाबू, क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने से पहले मैं आपको दो तीन चीजें सिखाऊंगा, वो सीख जाना बहुत जरूरी से, ठीक है। फटाफट से मेरे साथ साथ क्वेश्चन नोट डाउन करो, थोड़ा स्पीड बढ़ा कर। बाबू घर जाना है क्या? विचार नहीं है यहाँ पढ़ने का क्या तुम्हारा? तो क्या पूछूं? लो जी, फटाफट से नोट डाउन करो इसको। लोग उत्तर सब सामने देखेंगे। बाबू अब 1 मिनट के लिए नोट डाउन करने वाला काम रोक दो। हो गया बहुत बढ़िया, नहीं हुआ उससे भी बढ़िया, आप सब सामने देखो, आराम से कुछ चर्चा करते हैं। बाबू कल तक हम जर्नल एंट्री कैसे कर रहे थे? प्लीज वहीं तरफ देखो, कल तक हम जर्नल एंट्री कैसे कर रहे थे? कोई भी ट्रांजेक्शन होती थी, अकाउंट रिकॉर्ड सोचते थे, नेचर ऑफ अकाउंट सोचते थे, रूल सोचते थे और फिर जर्नल एंट्री लिखते थे। वो कल मैंने क्वेश्चन करने में 35 मिनट लगाए, ठीक है। आज टोटल बचे नहीं 35 अभी, ठीक है। और आपको कल क्या कहा था मैंने कि पेपर में क्या हम इतनी देर लगाएंगे? मैंने आपको क्या कहा था, कोई भी ट्रांजेक्शन करने में कितना टाइम, 10 ट्रांजेक्शन करते हैं। बहू मैं उस जगह पर पहुंच जाऊंगा, पर आपको मुझे थोड़ा सा फॉलो करना है, ठीक है ना। अब मैंने ना कुछ कंक्लूजन निकालनी है, कंक्लूजन क्या निकालनी है सुन लो। तो तीनों रूल मैं अच्छे से पर्सनल अकाउंट का, रियल अकाउंट का, नॉमिनल अकाउंट का, रूल सबको पता है, ठीक है ना। मैं कुछ कंक्लूजन लिखने जा रहा हूँ उस रूल के बेसिस, सामने देखना। बहू हमेशा और हमेशा जिंदगी में ध्यान रखना, कैपिटल हमेशा क्रेडिट होगी, डेबिट हो सकती है। मैंने निकाला कैपिटल हमेशा क्रेडिट होगी, कभी डेबिट नहीं होगी, जो मर्जी जर्नल एंट्री है ना दुनिया की, ठीक है। पहली बात, सब सामने देखो मेरी तरफ बाबू। और एक तो चलो हो गया, कैपिटल हमेशा क्रेडिट होगी बेटा, कैश आएगा
डेबिट होगा, कैश जाएगा, हमेशा क्रेडिट होगा। सबको पता है भाई, रियल अकाउंट का रूल कैश पे वो भी यही कहता है। मैं क्या करूंगा बेटा, ये कुछ बातें लिख रहा हूँ, मैं ये सोचनी शुरू कर दूंगा, इससे जनरल एंट्री आसान होने लग जाएगी, इजी होने लग जाएगी। हाँ, जहाँ फंसोगे वहाँ फिर वही पुराना सस्ता, वहाँ बेटा सोच लो अकाउंट इन्वॉल्व क्या, नेचर में क्या, रूल क्या। ठीक है बाबू, आपको बता देता हूँ, एक क्वेश्चन में कम से कम 50% अगर मैं बार बार कैश के लिए वो रियल अकाउंट और उसका रूल याद करने लग गया, फिर तो हो गया मेरा बेटा भाई, कैश आए डाली करो, जाए डाली करो, खत्म था, ज्यादा सोच नहीं, वहां तक नहीं जाऊंगा। 50% ट्रांजेक्शन तो यही उड़ा देगा अकेला। ठीक है बाबू, और आगे करो बात, परचेज हमेशा डेबिट होगी, कभी क्रेडिट होने की नहीं। ठीक है जी, सेल्स हमेशा क्रेडिट होगी। ठीक है बाबू, परचेज हमेशा डेबिट, सेल हमेशा क्रेडिट, कैश आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट, कैपिटल क्रेडिट। अभी तक मैंने इतनी बातें बोली, मैं इसमें दो चार और ऐड कर दूंगा समय आने पर। पांच बातें याद रख सकते हो, और मैं निकाली रूल से, आपको लगता है रूल से करना, आप रूल से चलते रहो, यही बातें निकलेंगी हमेशा निकल कर। कैश आया डेबिट, गया क्रेडिट, परचेज हमेशा डेबिट, सेल हमेशा क्रेडिट, और कैपिटल हमेशा क्रेडिट। सर किसी भी क्वेश्चन में 80% बातें इन्हीं से निकलती हैं, किसी भी जनरल। ठीक है, 20% पढ़ते रहेंगे रूल, समय खराब भी करेंगे तो एक लिमिट में करेंगे ना, अनलिमिटेड समय थोड़ी खराब करने के लिए। समझ आ रही है बात? ठीक है, स्टार्ट करें जर्नल एंट्री। आप फॉर्मेट बनाओ, मैं फॉर्मेट बनाता हूँ, मैंने जब तक बनाया तभी तक आपके पास मौका है, उसके बाद जर्नल एंट्री शुरू कर दूंगा। चलो जी, बस 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 बिल्कुल रुक जाओ, बस बस कुछ नहीं, बना ये क्वेश्चन रहेगा, आप सामने देखो बाबू। करते हैं चर्चा शुरू, सबसे पहली ट्रांजैक्शन क्या है? कहता है 5th of April 2023 स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश, विद लैंड, विद गुड्स। तीन चीजें लाया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, ये तो पता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो कुछ भी लेकर आओ, हर वो चीज क्या है, पहली बात बतानी पड़ रही है, तो बहुत बुरा लग रहा है। पहली चीज यही सी आती पूरी अकाउंट्स में, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो भी चीज ये क्या, वो क्या चीज है, पक्की बात सबको पता है बाबू। यानी कि इस ट्रांजैक्शन में कैपिटल टोटल 10 लाख रुपया है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो है? अगर एज पर रूल मुझे सोचना है, ये तो मुझे पक्का पता है कैपिटल क्रेडिट होती है ऐसी के पैसे। और अगर कैपिटल क्रेडिट होती है, डुअल एस्पेक्ट ने बोला, अगर तो 10 लाख का डेबिट होगा, शर्त लगा के ले लो ये 3 लाख या 5 लाख या 2 लाख डेबिट होंगे एस पर डुअल एस्पेक्ट। डुअल एस्पेक्ट ने ये कहा था ना, हर क्रेडिट का बिल्कुल बराबर अमाउंट का डेबिट होता है। ठीक है, पीयूष एक ऐसा बंदा है जिसको ना बड़ी टेंशन रहती है कि मैं कभी कुछ समझाऊंगा कि नहीं, लिख पा के छोड़ दूंगा, तो मेरे को ना कंफर्म करना चाहिए पीयूष भाई, मैंने कहा क्रेडिट इज इक्वल टू डेबिट समझाऊंगा तो आगे बाबू। कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है, अगर 10 लाख की कैपिटल क्रेडिट करूंगा तो 10 लाख का ही तो करूंगा एज पर डुअल एस्पेक्ट, देख लेना मैं एज पर रूल करूंगा, लेकिन ये तीनों चीजें डेबिट होगी। ठीक है, लॉ प्रूव करें, चलो करते हैं प्रूव बाबू। कैश और लैंड दोनों एसेट्स हैं, रियल अकाउंट के रूल लगते हैं। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट वर्क कम्स इन, जो बिजनेस में एसेट्स आ रही है उसे डेबिट कर दो, कैश भी बिजनेस में आ रहा है, लैंड भी बिजनेस में आ रहा है, कर दो डेबिट, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। गुड्स परचेज बाबू, गुड्स लाया बिजनेस में, परचेज लिखूंगा मैं अकाउंट में, क्वेश्चन में स्टॉक लिखा था, मैं आपको पहले क्लियर कर दिया, स्टॉक वर्ड कभी नहीं लिखूंगा, गुड्स आया है, परचेज गया है सेल्स। ठीक है बाबू, परचेज लिखूंगा रूल,
नॉमिनल अकाउंट पे। रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, परचेज एंड एक्सपेंसेस डेबिट करते हैं। क्या तीनों डेबिट हुआ? पहले एडवांस में बता दिया था डेबिट होंगे। बाबू अब मैं कैपिटल के लिए रूल नहीं देख रहा, मुझे कंफर्म पता है कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है, चुपचाप से क्रेडिट कर दो। रूल देखना है अपने मन में लगा के देख लो, पर्सनल अकाउंट का रूल यही निकलेगा। ठीक है जी, यानी कि जर्नल एंट्री क्या हुई, कैश डेबिट, लैंड डेबिट, परचेसेस डेबिट टू कैपिटल अकाउंट विद डेट 5th ऑफ अप्रैल। करो फटाफट से अपनी नोटबुक। सामने देखना, बस 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 जितना मैं टाइम दूंगा आपको उसमें ही टच कुछ करना है, नहीं हो रहा कोई दिक्कत नहीं, बाद में आखिरी में जो 5-7 मिनट लगेंगे वो देखना। लो जी सब सामने देखना, मेन तरफ बेटा कहता है परचेज गुड्स फॉर 1,50,000। इधर देखना सर कुछ नहीं था, तो नगद खरीदे होंगे गुड्स, नगद खरीदे, कैश आ रहा है जा रहा है? हाँ बोलो जा रहा है। कैश जब भी जाता है क्रेडिट होता है, कन्फर्म्ड है बात, मैं बोल चुका हूँ कैश जब भी जाएगा क्रेडिट होगा, कैश अकाउंट क्रेडिट है। मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने नेचर ऑफ अकाउंट नहीं सोचा, मैंने उसका रूल नहीं सोचा, कैश आया डेबिट गया क्रेडिट, गया क्रेडिट। हाँ जी परचेज हमेशा डेबिट होती है, यानी कि एंट्री है परचेज अकाउंट डेबिट हो कैश अकाउंट। स्पीड बढ़ी कल से बढ़ी, स्पीड बढ़ती चली जाएगी। एंट्री समझ आ गई, परचेज अकाउंट डेबिट हो कैश अकाउंट, स्पीड बढ़ाओ और लिख दो 8th ऑफ मई 2023। बाबू मैंने ना एक ही बार लिखा ये देखो 2023, आपका पता नहीं ऐसे कर लेते तो बहुत अच्छा। ठीक है, एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सामने देखना, यहाँ तक सब पहुंच जाने चाहिए थे वैसे तो अब तक। ठीक है जी, कुछ नहीं होता अगर अगर फॉर्म हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, आप ये टेंशन ज्यादा। ठीक है जी, मेन तरफ देखना, बस बस मेन तरफ देखो। बाबू नेक्स्ट बिजनेस ट्रांजेक्शन एक बार बेटा मैं लिखने का मौका देना, मतलब लिखने में पागल हो जाओ, समझने में ध्यान ही खत्म कर दिया। ठीक है ना, अगर ऐसा लगता है आपको नोटबुक बंद कर दो, मुझे नहीं लिखवाना ऐसी की तैसी लिखने, आप सब समझने का ध्यान रख लोगे घर पे बहुत। बाबू 9th ऑफ जून 2023 कहते हैं परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन 2 लाख। बाबू परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन नगद या उधार, फटाफट बताओ नगद या उधार? उधार कंफर्म है, कैश की तो बात ही नहीं तो खत्म कर दो। लेकिन ये पता है कि परचेज हमेशा डेबिट होती है, परचेज डेबिट होती है तो दूसरा अकाउंट किसका इन्वॉल्व होगा? क्रेडिटर का, मतलब मोहन का। अगर एक चीज डेबिट है दूसरी क्या होगी? क्रेडिट ही होगी, लिख कर रही होगी। ठीक है, यानी कि एंट्री भी होगी परचेज अकाउंट डेबिट तो मोहन, मुझे पक्का क्लियर है। फिर भी आपको लगता है यार मैं फंस ना जाऊं, मुझे रूल बता दो। अच्छा जी, तो मोहन ने क्रेडिटर है, रूल बताओ। पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। मोहन बिजनेस को कुछ दे रहा है, हम उसको कुछ नहीं दे रहे, क्रेडिट द गिवर। रूल समझ आ गया? अगर ना नहीं करता तब भी किया था, तो फिर तो डेबिट तो होगा। ठीक है, स्वीट ब्लॉक फटाफट से जर्नल एंट्री लिख दो 9th ऑफ जून 2023। मोहन के आगे अकाउंट मत लिख देना,
अवधि सामने देखना, बहु तीन ट्रांजैक्शन डन है। अगली ट्रांजैक्शन 15th of July 2023, सब सामने देखना। कैटर सोल्ड गुड्स, प्रलेप कैश है या उधार है? कैश है। कैसे पता लगा? बाबू किसी का नाम नहीं है तो बाबू कैशियर से करेगा। बाबू सोल्ड गुड्स 1,70,000, पैसा आया या गया? गुड्स बेचे, पैसा आया या गया? आया। पैसा तब भी आता है कैश अकाउंट डेबिट, ऐसे ही ऐसे कैश अकाउंट डेबिट हो गया। दूसरा अकाउंट एक और सेल का, सेल होती है हमेशा क्रेडिट है, यानी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट हो सेल्स अकाउंट, खत्म। गानी कोई रूल नहीं, मुझसे चाहिए नहीं रूल, समझ में आ रहा है? लेकिन बाबू ये भी समझ लो, ये जो मैं आपको शॉर्टकट से पहुंचा रहा हूं ना, कि मैंने सब निकाला, रूल सही है। जिस दिन कोई जर्नल एंट्री नहीं आएगी और फंसोगे, आपको बाहर में जर्नल एंट्री में रूल से ही दूंगा निकाल के। आप कभी भी फंसोगे, कौन बाहर निकालेगा? रूल, रूल नहीं भूल लें, ठीक है? एंट्री क्या हुई फिलहाल? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 15 जुलाई, लिख दो फटाफट से। चलो जी, लो बोलता सामने देखो जी, राघव भाई सामने देखो। बाबू इधर देखना, नहीं करो बेटा। 22 अगस्त 2023, सोल्ड गुड्स टू सोहन, अनमोल भाई कैश या उधार? उधार। कैसे पता लगा? बाबू नाम है किसी का, सोल्ड गुड्स टू सोहन 1,80,000, ये पक्का पता उधार है। बाबू कैश तो इन्वॉल्व ही नहीं है, तो कैश की तो बात ही ना सोचो। लेकिन बाबू दुनिया में जब भी सेल्स करते हैं, हमेशा क्या होती है? क्रेडिट। अगर सेल्स क्रेडिट है तो दूसरा अकाउंट डेट वाले को क्या? डेबिट, यानी एंट्री होगी सोहन टू सेल्स अकाउंट, सोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कंफर्म। समझ में आ रही है? फिर भी सोचने की इच्छा है, सोहन एक डेटर है। डेटर पे पर्सनल अकाउंट के रूल, रूल कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। भाई बिजनेस ने उधार पर गुड्स बेचा सोहन को, उसने कुछ नहीं दिया, डेबिट द रिसीवर। समझ में आ रही है? तो दोनों पार्टी सेटिस्फाई हैं, उसी हिसाब से जो तुम्हें तरीका बता रहा हूँ उससे भी। तो कहाँ पहुँचने हैं बेटा? सोहन टू सेल्स, सोहन डायरेक्ट टू सेल्स अकाउंट, लिख दो फटाफट से। लो जी आओ जी आओ, बस बाबू बस सामने देखना, इधर देखो प्लीज, नहीं करो सॉरी भाई, बस हो गया, सामने देखो। आओ, घर पे आज भी नहीं आया क्या? बाबू डेट देखना क्या है? 30th सितंबर 2023, ये बड़ो ट्रांजैक्शन क्या कहती है? लैंड परचेज 2,50,000, बाबू लैंड खरीदी है, कैश में ही खरीदी है, कुछ नहीं कहा तो कैश में खरीदी है, कैश आया या गया? फटाफट बताओ, आया गया? कैश गया ना, कैश क्रेडिट होगा, लिख के ले लो, कैश क्रेडिट है। दूसरा अकाउंट लैंड इन्वॉल्व है, तो लैंड क्या होगा? डेबिट, यानी कि एंट्री क्या होगी? लैंड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पक्की बात। फिर भी लगता है लैंड का लॉजिक नहीं समझ में, कैश तो क्लियर था। बाबू लैंड एक एसेट है, रियल अकाउंट के रूल, रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट। जो एसेट आ रही है डेबिट करना है, लैंड आ रहा है डेबिट कर दी, तो किया मैंने। बाबू एंट्री समझ में आई? एंट्री होगी लैंड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मैंने क्या कहा था, 50% अकेली ट्रांजेक्शन कैश कैश पर बेस्ड होती है। कैश का भी वार्ड याद रखिए ना, आया डेबिट गया क्रेडिट, आधे से ज्यादा निपटाओगे जनरल एंट्री। समझ में आ रही है बात? कर दो एंट्री, लैंड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, लो लिखो फटाफट से। 30 सितंबर,
सॉरी एक मिनट रुक जाओ, आ जाओ बेटा फटाफट से मेरे बराबर आ जाओ एक। हाँ जी आयुष भाई सामने देखो बाबू, कहता है सैलरी पेड, बाबू कैश आया या गया? सैलरी देगा कैश गया, कैश क्रेडिट में आएगा। दूसरा अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व है? सैलरी का, यानी कि सैलरी डेबिट होगी। कन्फर्म है बात, सैलरी डेबिट तो कैश अकाउंट, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? पक्की है बात, समझ में आ रही है बाबू? अच्छा अगर एज पर रूल सोचना, कैश का तो समझ में आ गया बाबू, सैलरी इन्वॉल्व है, सैलरी एक नॉमिनल अकाउंट है। रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सारे खर्चे डेबिट करना, तो सैलरी एक खर्चा है, डेबिट तो होगी, यानी कि एंट्री तो सेम ही रही जो मैंने बोली सैलरी टू कैश। ठीक है जी, फटाफट से एंट्री कर दो, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 25 अक्टूबर। बाबू अभी ग्रैंड टोटल मत करना, मैं 3 ट्रांजेक्शन उधर ऐड कर रहा हूँ। तो किसने कहा था आफ्ती हो तुम तो? जिंदगी में इतने आफ्ती, 3 ट्रांजेक्शन। अरे अगर लग रहा है हमने टोटल कर दिया, कोई टेंशन नहीं है, अगले पेज पे लिखो एग्जाम्पल नंबर 2, 3 ट्रांजेक्शन लिख दो, मां कर देना बस, कदम लाने इतना क्या परेशान हो गया। ठीक है जी, मैं वैसे ऐड कर रहा हूँ यहीं पर 11th ऑफ नवम्बर 2023। तो ये 3 ट्रांजेक्शन नोट डाउन करो फटाफट से। लो बोलता है इन तीनों ट्रांजेक्शन पे चर्चा करूंगा, उससे पहले 2 बातें। बाबू ये मैंने कुछ 5 बातें लिखी थी, समझ में? इधर देखना, कैपिटल हमेशा क्रेडिट होगी, कैश आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट, परचेज हमेशा डेबिट, सेल हमेशा क्रेडिट, 5 ही बातें लिखी। सिक्स्थ, एक्सपेंस कोई भी हो दुनिया का, क्योंकि बहुत बार आएगा ये, रेंट पेड, सैलरी पेड, कमीशन पेड, डिस्काउंट, ये वो पता नहीं कितने खर्चे लेगा, सर हमेशा डेबिट होगा। नॉमिनल अमाउंट ये कहता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, मैंने वहीं से निकाला, एक्सपेंस हमेशा डेबिट होगा, सोचेंगे नहीं, रोल को तक नहीं पहुंचेंगे। ठीक है ना, जैसे भी आया था सैलरी पेड, सैलरी लिया ना डेबिट ही होगी, खर्चा सारे डेबिट होते हैं। 6 बातें करती, ठीक है जी, 8 या 9 ही बातें लिखूंगा बस, सारी जनरल एंट्री हो जाएंगी दुनिया की। ठीक है जी, सब जेल जाएंगे, सब देख लेंगे क्या बचेगा उसके बाद। ठीक है बाबू, एक बात और, अब काम की बात है, कोई लिखेगा नहीं, सब सुनने पे ध्यान देना, सब मेन ग्रो देखेंगे। बेटा मैंने अभी 6-7 जर्नल एंट्री करी, अब जर्नल एंट्री का ना मैं एक बड़ा की फीचर बताने जा रहा हूँ आपको, बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है ये बात आराम से सुन लेना सब। देखो अगर जर्नल एंट्री में मान लो मैंने कोई जर्नल एंट्री करी है परचेज टू मोहन, ये जर्नल एंट्री करी है, कितने रुपए का सामान खरीदा मैंने? 2 लाख रुपए का सामान खरीदा। मोहन ने ना मुझे गारंटी दी हुई है किसी चीज की कि आप मुझसे सामान ले जाओ, 6 महीने बाद भी नहीं बिका ना वापसी कर सकते हो। जब मैंने खरीदा तो मैंने एंट्री कर दी, ऐसा हो सकता है कि नहीं कि कभी कोई सामान मुझे वापसी करना पड़े? बिल्कुल हो सकता है वापसी करना पड़े। एक चीज हमेशा ध्यान रख लेना, अगर जर्नल एंट्री में किसी भी चीज का इंपैक्ट आपको कम करना है, एक ही तरीका करने का, उसके साइड बदल दो। सुन लो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर किसी चीज को कभी कम करना पड़ जाए ना फ्यूचर में, ऐसा हो सकता है और बहुत बार होगा आपके साथ, जर्नल एंट्री में अगर किसी भी चीज को कम करना है ना, एक ही तरीका है उसको कम करने का, उसकी साइड बदल दो।
मान लो फ्यूचर में किसी वजह से मुझे परचेज को कम करना पड़ता है, क्या तरीका है? एक ही तरीका है, इसकी साइड बदल दो। कहाँ लिखा है ये परचेज? फटाफट बताओ कहाँ लिखा है। डेबिट में साइड बदल दो, इसको क्रेडिट में लिख दो, ये ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। समझ में आ रही है? कैपिटल कहाँ लिखी हुई है? क्रेडिट में। अगर कल को फ्यूचर में कैपिटल को कम करना पड़ जाए कैसे करोगे बाबू? एक ही तरीका है, डेबिट कर दोगे ना तो कैपिटल कम हो जाएगी। ये पता लगेगा कुछ दिन में कि कैसे कम हो रही है, पर बाबू तरीका लिखिए। ठीक है, किसी भी चीज का इंपैक्ट कम करना है कैसे किया जा सकता है? साइड बदल कर। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? ये बात समझ में आए? आओ जी इंपैक्ट कम करना सीखे। बाबू मैंने तीन ट्रांजेक्शन लिखी है, तीनों ट्रांजेक्शन किसी ना किसी चीज का इंपैक्ट कम करेंगी, इसलिए आप नहीं लिखोगे, सिर्फ समझने पे ध्यान दोगे। जैसे ये तीन ट्रांजेक्शन खत्म करेंगे बैच वाइंड अप कर देंगे, चाहे कितनी जल्दी हो जाए। ठीक है, आप सब सामने देखो। कहता है रिटर्न्ड गुड्स टू मोहन 10,000। आपने गुड्स मोहन को वापस कर दिया 10,000। मैं तो कह रहा हूं प्यारे बच्चों मुझे समझ ही नहीं आ रहा मोहन कौन था, याद कराओ। लो जी लो, अब आ गई सारी ट्रांजेक्शन, कुछ याद भी आया। बाबू मैंने मोहन से कभी गुड्स खरीदा हुआ है 2 लाख का, मेरे बिजनेस में क्रेडिटर होगा मोहन, 2 लाख रुपए से क्रेडिटर है। बाबू कहता है आज आपने 10,000 रुपए का गुड्स मोहन को वापस कर दिया। मेरी तरफ देखना बेटा, जब मैंने गुड्स खरीदा था मैंने करा था परचेजेस डेबिट टू मोहन। रीड भी तो करो अकाउंट साथ साथ, मतलब मैंने दिखा रखा है कि मैंने 2 लाख का सामान खरीदा है, मोहन तुझे 2 लाख रुपए दे दिए, यही मतलब है इस बात का भैया, यही मतलब है शीट का। इधर देखना, आज मैं गया मोहन को 10,000 रुपए का सामान वापस दे आया। एक बात बताओ बड़ा ईमानदारी से सोचिए, क्या आज भी शादी ठोक के कहता रहूं कि मैंने 2 लाख रुपए की परचेज करी मोहन से, 10 का सामान वापस दे दिया कि नहीं दे दिया पहले बताओ। आपको लगता है कि नहीं परचेज कम हो गई मेरी? फटाफट बताओ हुई कि नहीं भैया, बताना तो पड़ेगा, चाहे 10 मिनट सोच के बताना चाहे 15 मिनट बताना, तो आपको ही है। बाबू अगर मैंने मोहन से 2 लाख का सामान खरीदा था, मैंने एंट्री करी परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन। रीडिंग के हिसाब से बोलूं तो मैंने दिखाया कि मैंने तुझसे 2 लाख का सामान खरीदा और मोहन तेरे 2 लाख रुपए देने हैं। ठीक है, ये क्या मतलब? मैं गया और 10,000 रुपए का सामान मेरे से बिका नहीं, मैंने कहा ये पकड़ मोहन वापस, तूने गारंटी दी थी तू सामान कभी वापस लेगा। उसने कहा मैंने कब मना करा, वापस दे। उसने सामान चुपचाप से वापस रख लिया। ठीक है बाबू, अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इसकी कोई एंट्री ना करूं तो इसका मतलब तो यही निकला कि मैंने सच में 2 लाख की परचेज करी थी, लेकिन आप बताओ रियलिटी, 2 लाख की करी थी? 2 लाख की करी जरूर थी, पर 10 का सामान वापस भी तो कर दिया। आपको नहीं लगता मेरी परचेजेस कम हो गई हैं? आपको नहीं लगता मुझे परचेज का इंपैक्ट थोड़ा सा कम कर देना चाहिए? समझ में आ रही है बात? दूसरी बात बाबू, मोहन से मैंने अभी भी, सॉरी मोहन को अभी भी मैंने कितने रुपए देने हैं? 2 लाख देने थे बाबू। मैंने 2 लाख रुपए मोहन को देने थे जब 10,000 रुपए का सामान वापस करा, अब मोहन को कितने पैसे दोगे? 1,90,000। ये मानते हो कि मोहन का भी इंपैक्ट कम करना है? क्योंकि पहली एंट्री के हिसाब से तो एंट्री हुई है परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन कि 2 लाख का सामान खरीदा है, मोहन तुझे 2 लाख देना है। अब ये मानते हो परचेज का भी इंपैक्ट कम करना और मोहन का भी, वरना पहली एंट्री के हिसाब से तो मोहन के 2 ही लाख देने हैं आपने। क्लियर है बात? दोनों का इंपैक्ट कम करना है यार, बोलो दोनों का इंपैक्ट करना है। कर दू कम, कैसे करूं? साइड बदल दो। मेरी तरफ देखना बाबू, मैंने एंट्री करी हुई है ये परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन, दोनों का इंपैक्ट कम करना है। एक ही तरीका है इंपैक्ट कम करने का वर्ल्ड वाइड, क्या? साइड बदल दो। बाबू मोहन करा रहा है क्रेडिट, इसका भी इंपैक्ट कम करना है, मोहन को कर दो डेबिट, कोई लिखेगा नहीं बेटा, रायता ना कराना, बिल्कुल चुप जाओ। हाँ जी, मोहन का इंपैक्ट कम करना है, लिखा हुआ है क्रेडिट, मैंने कर दिया डेबिट, कोई दिक्कत तो नहीं? परचेस का भी इंपैक्ट कम करना है, कहाँ लिखी हुई है परचेस? सामने देखो कहाँ लिखी हुई है इंपैक्ट कम करना है, कहाँ लिख दो बाबू? लिख दो क्रेडिट में, लेकिन नाम सिर्फ परचेस मत लिखना, नाम लिखना परचेस रिटर्न अकाउंट, परचेस वापसी गई है, इसको बोलते हैं परचेज रिटर्न। ठीक है,
कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। अच्छा सब दुकानदारों के पास ये ट्रांजेक्शन होती होगी कि नहीं? सब ज्यादातर होती है। कई बार ये होता है आप कन्फेक्शनरी ले आए अपनी मर्जी से घर पर, ठीक है ना जी। मम्मी कहती है ये कौन से नमकीन उठा रहा है, ये तो घर पर कोई खाता ही नहीं, चलो मैं वापसी खुद करूंगी, वापसी कराए। सर ये हर दुकानदार होता है। आपने परचेज करा, परचेज रिटर्न भी होती है, उसने सेल करा, सेल रिटर्न भी होती है, बिजनेस में बड़ी आम चीज है, ठीक है ना जी। और हर बिजनेस को कभी ना कभी देखने को मिल जाता है। बाबू समझ में आ रही है बात? किसी भी चीज का इंपैक्ट कम करना है, एक ही तरीका है, साइड बदल दो, बस सिंपल सी बात, ठीक है जी। मुझे दोनों का इंपैक्ट कम करना था 10,000 से, मैंने दोनों का इंपैक्ट 10,000 से कम कर दिया, ठीक है बाबू। यहाँ मोहन को क्रेडिट किया हुआ था 2 लाख से, मतलब 2 लाख देने हैं बाबू, यहाँ डेबिट कर दिया 10,000 से, यानी कि नेट में अगर सोचा जाए तो मोहन क्रेडिट बचा है 1,90,000 से, यानी कि अल्टीमेटली देने तो 1,90 ही है, 2 देने थे 10 से कम कर लिया, देने तो 1,90 ही है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, क्लियर है बात? आओ जी बेटा सब सामने देखते रहो। सेकंड लास्ट ट्रांजेक्शन कहता है सोहन रिटर्न गुड्स 5,000। अरे भैया ये सोहन कौन था, मैं तो भूल भाल गया कौन था सोहन। ये देखो बाबू कहता है सोल्ड गुड्स टू सोहन 1,80,000, मैंने सोहन को सामान बेचा हुआ है बेटा 1,80,000 का। कहता है सोहन रिटर्न गुड्स टू अस, बाबू सोहन हमें सामान वापस देगा 5,000 रुपये का, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अच्छा यहाँ एंट्री क्या करी थी हमने, सेल्स हमेशा क्रेडिट होते हैं तो टू सेल्स अकाउंट डेबिट किसको किया था, सोहन। रीडिंग आई समझ? भैया मैंने दिखाया हुआ है, मैंने सेल किया हुआ है सोहन को सामान 1,80,000, और सोहन से 1,80,000 लेने आते ही होंगे किसी दिन। सोहन उठ गया 3 महीने बाद, ये 5,000 रुपये का सामान कूड़ा निकला बिल्कुल, ये पकड़ो वापसी, और वापस दे गया सामान। क्या अभी भी मैं छाती ठोक के बोलता रहा हूँ 1,80,000 का सामान बेचा सोहन को, 5 का वापस आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। आपको नहीं लगता सेल का इम्पैक्ट कुछ कम कर देना चाहिए 5,000 से? बाबू अभी भी छात्री टोक कर दिखाता रहा हूँ सोहन से 1,80,000 लेने हैं, मैंने तो डेबिट कर रखा है सोहन को 1,80,000 से, लेटर बना रखा कि तुझसे 1,80,000 लेने हैं। सर आपको नहीं लगता कि 5,000 अब कम देगा, सोहन का भी इम्पैक्ट कम कर देना चाहिए, सेल का भी इम्पैक्ट कम होगा, सोहन का भी दिखाई दे रहा है। दोनों समझ आ रही है बात बाबू? अगर ये दोनों इम्पैक्ट कम होंगे तो आपको पता है इम्पैक्ट कम करने का क्या तरीका है, एक ही तरीका है, साइड बदल दो बेटा। जो जनरल एंट्री करेगी साइड बदल दो उठा के उसकी, हो जाएगा कम इम्पैक्ट, करेगा कम इम्पैक्ट, ठीक है जी। बाबू एंट्री करी हुई है सोहन टू सेल्स, ये देखो मुझे दोनों का इम्पैक्ट कम करना है बाबू, कराओ कम कराओ, डेबिट किसको करूं, सेल्स रिटर्न अकाउंट, सेल को डेबिट नहीं करना, क्या करना है बाबू, सेल का इंपैक्ट कम करना है, साइड बदल के ही हो सकता है, बट डेबिट में सेल्स नहीं लिखना, लिखेंगे सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल का इंपैक्ट कम करेगी। और क्या करेंगे बाबू, सोहन को करेंगे क्रेडिट टू सोहन 5,000, ठीक है जी। लो जी मैं कर देता हूं आपके लिए ट्रांजेक्शन बेटा, मैंने नरेशन नहीं लिखी, अभी लिख नहीं रहा मैं बची दोनों ट्रांजेक्शन की भी नरेशन, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है, खत्म करते हैं इस बात को। सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सोहन, सोहन के सामने अकाउंट नंबर मत लिखना, ठीक है जी। नरेशन आप खुद लिख लेंगे 5,000 रुपये, बस आज की लास्ट ट्रांजेक्शन। लो जी वैसे आपको नहीं पता, मैं आपके साथ ना खेलता हूँ, आपके दिमाग के साथ भी, वो आपको पता नहीं लगता। 6:17 हो रहे थे, मुझे पक्का पता था 6:30 तक नहीं होना। मैंने आपको पता क्या कहा, बस 3 ट्रांजेक्शन और जितनी भी जल्दी हो जाए तुम चले जाना रेस्ट। बच्चों के दिमाग में लड्डू फूटा, जल्दी हो जाए तो 6 बच्चे से जल्दी होने वाली है, मुझे तो पता था नहीं होनी। जब मैं इस ट्रांजेक्शन पे आया मैंने कहा ही नहीं, एक बार रहती, मैंने कहा सेकंड लास्ट, दिमाग और खिल गया, सेकंड लास्ट बस एक ही रहेगी, तो दिमाग से खेलो। तुम भी तो ऐसे ही करते हो मुझे, मैं भी करूंगा तुम्हारी ऐसे ही के तैसे, धीरे धीरे तुम्हारा रेस्ट भी उड़ा दूंगा मैं। आओ सामने देखना बेटा, बाबू कहता है ड्रॉइंग्स 20,000 रुपये, मेरी तरफ देखते रहना सब, क्या कहता है ड्रॉइंग्स 20,000 रुपये, सब सामने देखेंगे बाबू। ड्रॉइंग्स रिड्यूसेस, बोलो बराबर से, ड्रॉइंग्स रिड्यूसेस कैपिटल, क्या कैपिटल का इंपैक्ट कम कर दूं, फटाफट बोलो कर दूं कम। कैपिटल हमेशा क्या होती है, क्रेडिट, अगर उसका इंपैक्ट कम करना है तो कैसे हो सकता है,
डेबिट करके बाबू, डेबिट कर दो, पर नाम कैपिटल नहीं लिखना, ड्रॉइंग्स ही लिखा जाएगा नाम बाबू, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। ठीक है जी, एक बात बताओ, प्रोपराइटर बिजनेस से पैसे निकाल के घर जा रहा है, कैश आ रहा है या जा रहा है? कैश जब भी जाता है हमेशा कैश क्रेडिट होता है। ड्रॉइंग्स टू कैश एंट्री हुई 20,000 रुपए से, ये तीनों एंट्रियां इंपैक्ट कम करने की हैं, परचेज रिटर्न की एंट्री हो, सेल्स रिटर्न की एंट्री हो, ड्रॉइंग्स की हो। ठीक है बोलता, समझ में आएगा? और वो जिसने भी नोट डाउन नहीं किया, पे क्लिक कर लेंगे, जा सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर बैच। रखेंगे आज के लिए इतना ही, बाय।